नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी लाइव में। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र की मौत के बाद हंगामा, पुलिस की गाड़ी के साथ अन्य वाहनों में गुस्साए लोगों ने लगाई आग, 20 से ज्यादा गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। हंगामे के चलते लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे बाधित रहा। इस सड़क हादसे में बता दें कि युवक की मौत हुई थी। वाहन ने पॉलिटेक्निक के 3 छात्रों को टक्कर मारी थी, जिनमें छात्र की मौत हुई थी। एक्सक्लूसिव विजुअल आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर अमेठी से, किस तरीके से वाहनों में आगजनी की गई है, लाइव तस्वीरें अमेठी से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। छात्र की मौत के बाद बवाल और गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गुस्साए लोगों ने। बीस से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता दें कि हंगामे के चलते लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे भी बाधित रहा। 3 छात्रों को वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद छात्र की मौत हुई थी और इसको लेकर गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अमेठी से। बता दें कि इस दौरान पुलिस के वाहन भी फूके गुस्साए लोगों ने। बड़ी खबर अमेठी से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद बवाल और गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी के साथ ही अन्य वाहनों में भी आग लगाई। 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे भी बाधित रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। लोकेश, अमेठी में छात्र की मौत के बाद बवाल हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, कैसा माहौल है? बता दूं कि रात को यह घटना करौली थाना क्षेत्र की है। रात को 5:30 बजे तहसील पॉलिटेक्निक के छात्र निकल सड़क के किनारे जा रहे थे, तभी अनियंत्रित बोलेरो ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे छात्र की मौके पर मौत हो गई। वह छात्र सिविल इंजीनियरिंग का द्वितीय वर्ष का छात्र था, जिसके बाद वहां पर छात्रों द्वारा आंदोलन शुरू हो गया और सौ को वही सड़क पर छोड़कर पड़े रहकर पुलिस को भी उन्होंने भगा दिया और आम आदमी किसी को भी वहां पर पूरा जाम कर दिया था। इसके बाद वो लोग आंदोलित छात्र पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी, एक बाइक को आग लगाए, 2 बसों को जलाई गई, 2 दुकानें जलाई गई। इस तरह से काफी हिंसा हुई और उसी दरमियान पूरे अमेठी जनपद की पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। देर रात लगभग 11 बजे वहां पर मौके पर जब यहाँ की पुलिस अधीक्षक छातीगढ़ पहुंची है, लगातार मान मनोबल के बाद जब जो रात को लगभग 12 बजे छात्रों ने जो है सौ को पुलिस को सौंपा और उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। अभी फिलहाल पुलिस तैनात है, मामला जो है शांत है जी। लोकेश, क्या कुछ कार्रवाई की गई है पूरे घटना पे? अभी देखते हैं, क्योंकि मामला छात्रों का है, छात्र की मौत हो चुकी है और अभी इसलिए पुलिस की ओर से एक तरह की कोई, चूंकि एक कोई एक दो छात्र का नहीं था, पूरे पॉलिटेक्निक के पूरे छात्रों का ये बवाल था, सामूहिक एक तरह से सामूहिक रूप से ये उग्र हुए थे, इसलिए अभी तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। केवल मामले को अभी जो सौ को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और जो है वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है, ताकि तत्काल कार्रवाई करने के बाद ये छात्र और भी आंदोलित हो जाते, उग्र हो जाते, इसलिए जो है अभी मामले को ठंडे गुस्से में डाला गया है। अब जो भी कार्रवाई होगी इसके बाद की जाएगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकेश।